स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी जम्मू यूनिवर्सिटी के जो रिज़ल्ट आ चुका है यूजी सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ का, उसके हम फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वैसे तो बहुत सारी आपको मिलेंगी YouTube पे वीडियो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, जहाँ पे जो फॉर्म जब सबमिट नहीं हो पा रहा, उन प्रॉब्लम्स की आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है COEJU.com। उस पर आप क्लिक करने के बाद जो आएंगे यहाँ पे, आप देखिए फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ। सबसे पहली जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि वो CBCS के हैं कि नॉन CBCS के हैं। तो अगर आप CBCS वाले हैं तो CBCS पे क्लिक करिए, नॉन CBCS वाले हैं तो नॉन CBCS पे। अगर आपने इनको उल्टा कर दिया, मतलब CBCS वाले स्टूडेंट ने नॉन CBCS पे क्लिक किया, तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे हमने कर लिया, अभी हमने क्लिक कर लिया यूजी सेमेस्टर सेकेंड पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके पहले जो पेपर हैं उनका ₹1,000 फ़ी होगा, जिनका वन पेपर का जो है रिवेल आया है, ठीक है, री अपियरिंग का जो एग्ज़ाम का है उसका वन पेपर का 1,000 है। अगर आपके एक से ज़्यादा पेपर होते तो आपके ₹1,210 देने हैं। 15 दिन के बाद आपको 240 की लेट फ़ी देनी है, उसके बाद 30 दिन के बाद आपको 390 की लेट फ़ी देनी है, उसके बाद 45 डेज़ के अंदर आपको 810 की लेट फ़ी देनी है। अब अगर आप लोगों ने पहले से फ़ी दे रखी है, पेपर फॉर्म भर दिया, फ़ी डिडक्ट हो गई, बट आपको रिसिप्ट नहीं मिली है और वहाँ पे आपको नहीं आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस की पेपर पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, उस चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसीड है आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से फ़ी पेमेंट कर दिया बट आपको रिसिप्ट नहीं मिली, ठीक है, इसको देखने के लिए। बट अगर आप शुरू से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप यहाँ येस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे अभी यहाँ पे मैं स्ट्रीम सेलेक्ट करूँगी आर्ट्स। उसके बाद हम अब देखते हैं फॉर्म भरने से पहले कि ऐसी क्या मिस्टेक्स होती हैं फॉर्म फिल नहीं कर पाते। सबसे पहले ईयर ऑफ सेशन ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है, कौन से साल में आपने जो है रिज़ल्ट आपका आया है। जैसे आपने 2023 में अभी जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आए हैं आप 2023 लिखेंगे, बट 2022 कौन लिखेगा। जैसे आपने इस वाला पेपर तो नहीं दिया बट आपने पुराना वाला पेपर दिया था, इस बार गैप हो गया, तो आप जब अभी जैसे आपने 2023 में भी पेपर नहीं दिया जिन बच्चों ने, वो अब अगली बार पेपर देंगे 2024 में, ठीक है। तो उनका क्या हो जाएगा, उनका उस टाइम पे आपका जो है 2001 साल का गैप होके 2022 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने पिछली बार वाला पेपर दिया था उनका तो 2023 आएगा यहाँ पे सेशन, जिन्होंने गैप लिया है 1 साल का उनका 2022 आएगा, ठीक है। तो मोस्टली सबका 2023 ही होगा। उसके बाद है स्टूडेंट आईडी, उन्होंने लिखा है इट्स अ न्यूमेरिक कोड, मतलब नंबर है, डिजिट नहीं है। आपको पता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है GDC करके, ठीक है, जिसमें आगे नंबर भी होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे उसको उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट आईडी डालनी है। अब स्टूडेंट आईडी कहाँ मिलेगी, आपका एडमिट कार्ड जो है वहाँ पे राइट साइड पे आपका फ़ोटो लगा हुआ है, फ़ोटो के ऊपर आपकी स्टूडेंट आईडी दे रखी है, आपको वहाँ क्लिक करना है। आपको वो वाली आईडी जो है यहाँ पे डालनी है, ठीक है, एडमिट कार्ड के राइट साइड के फ़ोटो के ऊपर स्टूडेंट आईडी। अब है करंट रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है वो लिखना है, आपका करंट रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर क्या है कि जैसे आपने जो अभी फॉर्म फिल किया है तो उसका रोल नंबर, ठीक है। जैसे आपने सपोज़ जैसे किसी ने 2-3 बार ई अपीयर का पेपर दे रखा है और उसको लग रहा है कि जो सबसे पहले वाला पेपर दिया था वो नहीं, जो आपने लेटेस्ट अभी आपका जो रिज़ल्ट आया है वो रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप वही इस्तेमाल करेंगे जो आपने अपने फॉर्म फिल करने के टाइम पे डाला था। कोई और नंबर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। एड्रेस लिख दीजिए, अपने कोई भी अपना कॉलेज जो है उसका एड्रेस लिख दीजिए, GDC अखनूर, GDC RSPura, GDC कुछ भी, ठीक है। और कहाँ से पेपर देना है सेंटर लिख दीजिए, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आप एक अगले पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप जो है उस पे आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ आएगा कि आपने जो है पूरा डिटेल लिखा हुआ आएगा कि आपके कितने एग्ज़ाम में फॉर्म में रीअपियर है, कितना क्या है। इस साइड पे आपको एक सबमिट बटन मिलेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आप
अगले पेज पे पहुंच जाएंगे फी पेमेंट पे। फी पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट जो है आप उसको अपने संभाल के रखिएगा। जिसको रिसिप्ट नहीं मिलेगी वो आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया था फी कट गई है बट आपको रिसिप्ट नहीं मिली, तो प्रोसीड पे क्लिक करना, पहले पेज पे उसको क्लिक करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जैसे हमने अभी ईयर कर देती हूँ मैं 2023, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और करंट रोल नंबर वगैरह तो मैं अभी फिल नहीं कर सकती हूँ, एड्रेस आई कैन फिल, GDC RS पूरा, ठीक है। एंड इसको भी मैं फिल कर देती हूँ RS पूरा। इसके बाद आपका बच्चा क्या है, स्टूडेंट आईडी लिखिए, करंट रोल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आप जो है नेक्स्ट साइड पे पहुंच जाएंगे, ठीक। थैंक यू।